सब्सक्राइब करें, साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो ये है आपका वन स्टॉप डेस्टिनेशन जहां पर आप गेन करते हैं अनलिमिटेड मस्ती, फन, नॉलेज और बहुत सारा कैश। सो दोस्तों, आज काफी एक इंपॉर्टेंट मैच के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके ड्रीम इलेवन टीम देखेंगे और देखेंगे एक ग्रैंड लीग की टीम। सो दोस्तों, इस मैच को डिस्कस करने से पहले इसके कुछ स्टैट्स डिस्कस कर लेते हैं और मैं आपको बता दूं कि ये मैच खेला जाएगा मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम में, जहाँ की पिच बैटिंग फ्रेंडली होती है। और पिछले मैच की बात करें दोस्तों, जो इस पिच पे खेला गया था वो खेला गया था साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जिसमें दोनों टीम ने 300+ स्कोर किया था। यानी कि ये बैटिंग फ्रेंडली पिच है और यहाँ पे पेसर्स को थोड़ी बहुत ज़्यादा मदद मिलती है शुरू के इनिशियल्स ओवर में, यानी कि 1 से लेकर 10 ओवर के बीच में यहाँ पे पेसर्स को थोड़ी बहुत मदद मिलती है। और जैसे मैच होते रहते हैं वैसे धीरे धीरे पिच थोड़ी सी स्लो हो जाती है। यानी कि फर्स्ट बैटिंग करने वाले जो भी फर्स्ट बैटिंग करेगा, ये गारंटी से मान लीजिए कि वो 300+ स्कोर करेगा। अगर न्यूजीलैंड का फॉर्म देखे तो काफ़ी थोड़ा सा डिप कर रहा है उनका फॉर्म, तो मुझे लगता है कि अगर उनकी पहली बैटिंग आती है तो 280+ बनाएंगे। और वही अगर इंडिया की पहले बैटिंग आती है तो 300+ का स्कोर बना सकते हैं। उसी के साथ बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जो पिछले 4 मैच उसमें से इंडिया 3 जीता है, 1 हारा है। वहीं पे न्यूजीलैंड पिछले 4 मैच 3 हारा है और 1 ही जीता है। सो दोस्तों, ये रहेगा इसका स्टैट्स। और बारिश के थोड़े बहुत चांसेस है यहाँ पे, तो बारिश की वजह से मैच बीच में बंद भी हो सकता है, तो ये इंडिया के लिए थोड़ा सा लॉस में हो सकता है क्योंकि मैच कम ओवर का होते जाएगा, वैसे ही न्यूजीलैंड को थोड़ा बहुत प्रॉफिट अपने तरफ खींचती जाएगी। सो दोस्तों, अब हम लोग टीम डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपके लिए एक ग्रैंड लीग की टीम और एक स्मॉल लीग की टीम बनाई है। पहले मैं आपको स्मॉल लीग की टीम दिखा देता हूँ, उसके साथ हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि टीम आपके लिए कैसी रहनी चाहिए। MS धोनी आपके लिए एक ग्रैंड लीग के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि इंडिया का टॉप ऑर्डर पूरी तरीके से फेल हो जाए। क्योंकि इंडिया के टॉप ऑर्डर में रोहित शर्मा, KL राहुल, विराट कोहली, ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या भी है। अगर ऊपर की टीम जल्दी आउट होती है, यानी कि 1 से 15 ओवर के बीच में ऊपर की 3 आउट हो जाते हैं, तो MS धोनी बैटिंग करने आएंगे। वरना अगर 1 से 3 30 ओवर के बाद में आउट होते हैं तो हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत आएंगे बैटिंग करने। तो ये फॉर्मेट रहेगा, तो MS धोनी आपके लिए ग्रैंड लीग के लिए काफ़ी अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। टॉम लेथन को लिया मैंने, वर्ल्ड कप में कुछ खास फॉर्म में नहीं रहे लेकिन पिछले 2 मैच काफ़ी अच्छे गए इनके, तो इनको लिया है। ऋषभ पंत जब से आया काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं, मतलब जितनी बॉल्स उनको मिलती है उसके हिसाब से काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। टॉम बंडल खेलेंगे नहीं। उसी के साथ में रोहित शर्मा पिछले 3 मैच में 3 सेंचुरीज बना चुके हैं और इस वर्ल्ड कप में पूरे 5 सेंचुरीज लगा चुके हैं, तो काफ़ी बड़े प्लेयर है। उसी के साथ केन विलियमसन अपनी टीम के लिए काफ़ी अच्छा करने की कोशिश करते हैं लेकिन उतना खास उनसे हो नहीं पा रहा, उनके लग भी उनके सपोर्ट में नहीं है, तो फिर भी मैं उनको टीम में रख रहा हूँ क्योंकि ये अपनी टीम को जिताने का मानता रखते हैं। विराट कोहली को अपनी टीम में रख लो, काफ़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। पिछले मैच को छोड़ दे तो बाकी सारे मैचेस उन्होंने अच्छे खेले और पिछला मैच भी वो फिनिश करके आया, नॉट आउट आया। और उसी के साथ में रॉस टेलर का फॉर्म वैसे तो इस साल काफ़ी बेहतरीन रहा था और पिछले साल भी काफ़ी अच्छा रहा था, 90+ के एवरेज के साथ रन कर रहे थे, लेकिन जब से वर्ल्ड कप में आए तब से कुछ खास कर नहीं पाया, ना मार्टिन कप्टिल कर पाए, तो ये दोनों आपके लिए ग्रैंड लीग के लिए काफ़ी अच्छी चॉइस हो सकते हैं। और उसी के साथ में KL राहुल को मैंने रखा है, जिनका फॉर्म ठीक ठाक है, मतलब बड़े कंट्रीज़ के खिलाफ कुछ खास नहीं कर पाया लेकिन फिर भी छोटे कंट्रीज़ के खिलाफ रन बनाते आए हैं। बड़ी कंट्रीज़ के खिलाफ थोड़े से फंसते हैं लेकिन ठीक ठाक फॉर्म में। हेनरी निकोलस ज़्यादातर चांसेस है कि खेलेंगे लेकिन उनकी जगह कॉलिन मुनरो को आउटसाइड चांस है कि वो खेल सकते हैं, क्योंकि हेनरी निकोलस भी उतना खास परफॉर्म नहीं कर रहे और कॉलिन मुनरो भी नहीं। दिनेश कार्तिक की जगह पर रविंद्र जडेजा को लाया जा सकता है, तो दिनेश कार्तिक रिस्की पिक हो सकते हैं। अगर खेलते हैं तो आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं। केदार जाधव को भी आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं अगर खेलते हैं तो। मयंक अग्रवाल तो मेरे हिसाब से नहीं खेलेंगे। उसी के साथ में आप यहाँ पे ऑलराउंडर सेक्शन से मैंने ले लिया हार्दिक पांड्या और कॉलिन डी है ग्रैंड होम को। सो दोस्तों, ये दोनों मेरी चॉइस रहेंगे क्योंकि कॉलिन डी डे ग्रैंड होम ने पूरे वर्ल्ड कप में 2 ऐसी पारियाँ खेली है जिसने टीम को जिताने में मदद की। उसी के साथ हार्दिक पांड्या तो 10 ओवर पूरे बॉलिंग भी फेंक लेते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं, तो काफ़ी बढ़िया बॉलिंग बैटिंग कर लेते हैं। जिमी निशम के भी एक आपके पास ऑप्शन है, अगर आप यहाँ से ट्रेंट बोल्ट को हटा देते हैं तो आप फिर यहाँ पे जिमी निशम को ले पाएंगे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ट्रेंट बोल्ट को मैं हटा दूँ क्योंकि वो मेन पेसर बॉलर है। उसी के साथ में नीचे में मिचेल सैंटनर खेलेंगे, वो थोड़े से स्पिनर है तो मेरे को नहीं लगता उनको इतनी मदद मिलेगी इस पिच पे। रविंद्र जडेजा का थोड़ा सा चांस है
अगर वो दिनेश कार्तिक की जगह पे खेल जाएंगे तो खेल जाएंगे, क्योंकि पिछले मैच में खेले थे रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव, लेकिन इस मैच में नहीं खेलेंगे। इस मैच में कुलदीप यादव को रिप्लेस कर रहे हैं युजवेंद्र चहल, और रविंद्र जडेजा को रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर मेरे हिसाब से तो रविंद्र जडेजा के एक आउटसाइड चांस बनता है, वहीं पर कुलदीप यादव नहीं खेलेंगे। यहाँ पे फिर मैंने लुकी फर्गसन, आप पूरी तरीके से फिट हो चुके हैं तो वो आज का मैच पक्का ही खेलेंगे, लेकिन मैंने उनको अपनी टीम में नहीं रखा है क्योंकि क्रेडिट मेंटेन नहीं हो रहा था। उसी के साथ में मैंने ट्रेंट बोल्ट को अपनी टीम में रखा है, और फिर जसप्रीत बुमराह को रखा है। मोहम्मद शमी भी इस वर्ल्ड कप में काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं, फिर भी मैं उनको आउटसाइड तो चांस दे रहा हूँ कि इस मैच में नहीं खेलेंगे, क्योंकि लॉ ऑफ एवरेजेस भी कोई चीज़ होती है। पिछले मैच में नहीं खेले थे तो इस मैच में थोड़ा सा ब्रेक के बाद में आ रहे, तो थोड़ा सा लगता है इनको परफॉर्मेंस डिप कर सकता है, लेकिन जसप्रीत बुमराह वर्ल्ड के नंबर वन बॉलर है तो मुझे लगता है ये अच्छा कर सकते हैं। उसी के साथ में 8 क्रेडिट हमारे पास बचा था तो मैंने भुवनेश्वर कुमार को ले लिया, जिन्होंने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की है जब से उन्होंने कमबैक किया है। सो दोस्तों, इस पूरे वर्ल्ड कप में भुवनेश्वर कुमार का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। टीम सऊदी तो खेलेंगे नहीं, भले ही उनका इंडिया के खिलाफ रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा हो। मैट हेनरी खेलेंगे, युजवेंद्र चहल खेलेंगे, उसी के साथ ईश शोडी के थोड़े कम चांसेस है, और कुलदीप यादव के भी कम चांसेस हैं। तो दोस्तों, ये रहेगी मेरी टीम। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो आपके पास रहेगी विराट कोहली, केन विलियमसन और रोहित शर्मा के ऑप्शन। ये तीनों आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आपको मैंने कैप्टन वाइस कैप्टन के भी ऑप्शन बता दिए। अब हम लोग देख लेते कि आपके लिए मैंने ग्रैंड लीग के लिए कैसी टीम तैयार की है। सो दोस्तों, ये मैंने ग्रैंड लीग की टीम तैयार की है। मैंने इसमें ऋषभ पंत और MS धोनी को रख लिया है, यानी कि अगर जिससे ऐसे ट्रेंट बोल्ट शुरू के ट्रेंट बोल्ट या लुकी फर्गसन शुरू में रोहित शर्मा को आउट कर देते, तो उस हिसाब से मैंने टीम बनाई है। अगर इंडिया टीम थोड़ी सी फेल कर जाती है तो उस हिसाब से मैंने टीम बनाई है, और जैसे कि न्यूजीलैंड का टॉप ऑर्डर फेल कर जाता है तो न्यूजीलैंड का टॉप ऑर्डर फेल कर जाए और इंडिया का रोहित शर्मा ना चले, तो उस हिसाब से मैंने टीम बनाई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैप्टन रखा मैंने रॉस टेलर को, और वाइस कैप्टन मैंने यहाँ पे रखा जसप्रीत बुमराह को। आप अपने हिसाब से टीम बना सकते हैं, ये सिर्फ डेमो टीम है आपके लिए, और आप कुछ अगर और टीम दूसरी बना सकते हैं तो आपके पास ऑप्शन गप्टिल की है, और नीचे में जाएंगे तो एक लोगी फर्गसन की भी काफ़ी अच्छी ऑप्शन है अगर इंडिया को वो डोमिनेट करते हैं तो। सो दोस्तों, ये रहेगी मेरी आज की टीम। आई होप आप इस मैच में कम इन्वेस्ट करेंगे और इस मैच का मजा लेंगे। सो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द नोटिफिकेशन बेल, क्योंकि उससे से आपको मेरे चैनल की सारी अपडेट मिलती रहेंगी। और दोस्तों, जाने से पहले आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके मेरे ग्रुप से जुड़ जाइए, क्योंकि उस ग्रुप में होगा ये कि टॉस के बाद में जो भी चीज़ें अपडेट होगी वो मैं आपको बता दूंगा। उसी के साथ में मैं उस टीम में आपको प्लेइंग 11 प्रोवाइड करता हूँ, और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं प्लेइंग 11 प्रोवाइड करता हूँ। टीम में जो जो चेंजेस होते हैं यूट्यूब टीम में वो भी प्रोवाइड करता हूँ। उसी के साथ मैं दूसरे फैंटेसी लीग्स के भी टीम्स आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। सो दोस्तों, मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। टिल देन, इट्स बाय बाय फ्रॉम मी।